अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश अद्वितीय का प्रणाम। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारी समस्याएं इस बात को लेकर आती हैं कि गुरुजी, तंत्र मंत्र टोना टोटका, इसकी काट का कोई उपाय बताइए, इसको कैसे काटा जा सकता है। इसके लिए अगर हमें लगे, हमें कोई ऐसे एक, मैंने ऐसा वीडियो बना रखा है, एक लक्षण है जिसमें कि क्या लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर कोई ऊपरी तंत्र मंत्र बाधा है, किसी का कुछ किया करा या प्रयोग आपके ऊपर है। तो उसमें कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा था कि इसके क्या उपाय हैं, इसके किसी का किया कराया कैसे काटा जा सकता है। और ऐसे भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय बताता हूँ। करके देखिए, करने में तो बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्रानुष्ठान भी होते हैं, बहुत बड़ी पीड़ा के लिए आगे बहुत बढ़ना पड़ता है, लेकिन ये उपाय भी बहुत कारगर है। अगर आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपके शुरुआती लक्षण हैं, तो कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि बार बार करने पर, निरंतर करने पर बड़े प्रॉब्लम्स भी जो हैं, बड़ी समस्या जो है वो भी इससे कट गई, हमने देखी हमारे अनुभव में। ये उपाय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, किसी प्रकार की और एक्स्ट्रा भूमिका न बांधते हुए सीधे सीधे उपाय पर आते हैं। करना क्या है, लगातार करना है, कम से कम 7 या 8 शनिवार इस उपाय को करना है। शनिवार के दिन संध्या समय आपको एक रोटी सेकनी है, ठीक है, लेकिन एक तरफ से रोटी सेकनी है, गेहूं के आटे की एक रोटी आपको सेकनी है, एक तरफ से सेकनी है, एक उसका दूसरा साइड जो है वो कच्चा ही रहे। अब सिका हुआ जो भाग है, रोटी का जो सिका हुआ भाग है, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल चुपड़ कर उसके ऊपर 7 साबुत लाल मिर्च आपको उसमें डालनी है, 7 नमक की डलियां रखनी है। नमक की डलियां आज भी पंसारी के यहाँ बाजार में मिल जाती हैं बड़े आराम से, बहुत दुर्लभ चीजें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। 7 साबुत लाल मिर्च रखनी सूखी हुई, 7 नमक की डलियां उस सिके हुए भाग पर सरसों का तेल चुपड़ कर उस पर रखनी है इस प्रकार से। अब जिस पर आपको लगता है कि इस व्यक्ति पर, परिवार के इस सदस्य पर जो है किसी का प्रयोग, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, कोई कुछ किया कराया है, ऐसा आपको लगता है, ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, या बार बार उच्चाटन की अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, उसके भ्रमित होने की अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, उसका दिमाग एक भी जगह टिकता नहीं है, बार बार वो उदास हो जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, बहुत सारे लक्षण आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, स्थिरता का अभाव आपको दिखाई दे रहा है कि वो स्टेबिलिटी में कमी आपको नजर आ रही है, तो उसके ऊपर वो रोटी, अब आपको क्या करना है, उस रोटी को ऐसा एक बार, फिर ऊपर से एक बार, इस प्रकार से 2 बार उसको ऐसा, नमक और मिर्च जो है वो फोल्ड हो जाए ना, गिरे ना, तो वो पकड़ के उसके ऊपर आपको एंटी क्लॉक वाइज, आपको याद रखना, उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर 7 बार किसी चौराहे पर चुपचाप, जब संध्या, अब संध्या समय लगभग हो चुका है अच्छे तरह से, जब न दिन है न रात है, सूरज डूब चुका है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है, इस प्रकार का संध्या टाइम वो रोटी लेकर जानी है और किसी चौराहे के बीचों बीच आपको चुपचाप रखकर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आते ही घर पे हाथ पांव धो लेने हैं। यदि आपको लगता है, कई लोगों की ये समस्याएं आएंगी, कई अगर आपको लगता है कि लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे कि यह क्या टोना टोटका, ये कुछ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसा आपको हो सकता है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए भी उपाय है। फिर आपको, अगर आप शाम के वक्त नहीं कर सकते, संध्या समय वो होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है और अंधेरा ना हो, गोधूली वेला, उस वक्त ये काम करना है, शनिवार के दिन, उस वक्त अगर आपको करना आपको सहज ना लगे कि लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको लगे, तो फिर रात के 12 बजे वो काम आपको करके आना है, हिम्मत तो जरूर कीजिए, ठीक है। संध्या समय वो तुरीय संध्या होती है, रात्रिकालीन जो 12 बजे वाली संध्या होती है वो तुरीय संध्या कहलाती है, उस संध्या काल में भी आप ये काम कर सकते हैं, दिन के 12 बजे भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन शनिवार है, शनिवार में जो है शनि को, शनि बलि होता है संध्या समय में, जो मैम सूर्यास्त वाला संध्या होती है उसमें शनिदेव बलि होते हैं, तो उसमें किया जाए तो सबसे अच्छा। 7 या 8 शनिवार लगातार कीजिए, हनुमान जी को याद कीजिए, ठीक है, उसके ऊपर से जब आप घुमाएं तब आप जो है हनुमान जी की
हनुमान चालीसा की कोई चौपाई आप पढ़ सकते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, निरंतर जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस प्रकार से आप जपते जाइए। ये एक्स्ट्रा है, बोनस है हमारी तरफ से, करके देखिए। इस उपाय को करने में 50-60% का बल जो था तंत्र टोटकों का, ऐसे जो बलि थे वो तो पूरी तरह से साफ हो गए। हाँ, 100% 90% किसी का बल है, किसी के किए कराए का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत पुराना किसी का किया कराया है, तो उसमें आपको पतंगिरा या किसी का बगुलामुखी का या ऐसा कोई प्रयोग ऐसा आपको करवाना चाहिए किसी विद्वान से मिलकर। नहीं तो ये उपाय भी निरंतर कीजिए, आपको उसमें रिलीफ जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। चलिए, इसी के साथ, एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि हमने अपनी प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, भक्ति सॉन्ग्स एंड मंत्रास ऐसा कुछ करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें हम हमारे सनातन धर्म के विशिष्ट मंत्र जो होते हैं, मंत्र विशिष्ट जो स्तोत्र और मंत्र जो होते हैं, उनको संगीतमय बनाकर हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसको ऐसी ही फ्रिक्वेंसी पर हमने रखने की कोशिश की है कि जिससे नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाए। तो आप ये करें कि सुबह शाम उन मंत्रों को, जिसमें महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भी है, शिव तांडव स्तोत्र भी है, सर्वाष्ट निवारण स्तोत्र अभी मैंने अभी हाल ही में डाला है, उनको आप सुबह शाम अपने घर में चलाइए। उनके प्रभाव आप होते हुए देखिए, 1 महीना कंटिन्यू सुबह शाम चलाइए अपने घर के अंदर। निश्चित रूप से आपके घर की, आपके शरीर की, आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और सकारात्मकता आपके जीवन में आने लग जाएगी। हमने वैज्ञानिक रूप से ऐसे ही फ्रिक्वेंसी पर इन भजनों को, इन मंत्रों को बनाया है। हम जो भी करते हैं सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ, आपकी भलाई के लिए, जन सामान्य के हित के लिए ही हम करने में लगे हैं सारा। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।